किसी का जान भी जा सकता है, जान जाने का भी आशंका रहता है। वैसे बिहार थोड़ा इसमें पीछे है, लेकिन फिर भी बिहार के खिलाड़ी होते हैं जा करके परचम लहरा ही देते हैं। देखिए ऐसा सबको ही जानता है कि बिहार के जो भी लोग होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, कोई सपोर्ट करे या ना करे, जो करना है वो ठान लेते हैं, वो करते ही हैं। तो बिहार के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, पूरा भारत के लोगों का कहना है, और जो बिहारी विदेश में जाते हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि बिहारी बहुत मेहनती होते हैं। कितना साल से तैयारी कर रहे थे इस फाइट के लिए? देखिए मेरे को कॉमर्स स्पोर्ट्स में 10 साल से ज़्यादा हो गए। ये बताइए कि आप कितना देर में उस खिलाड़ी को हरा दिए थे? ये लास्ट वाले फाइट में मैंने 1 मिनट 14 सेकंड में उस खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया। अभी हमारे साथ बिहार के सासाराम के रहने वाले श्यामानंद हैं, और ये नोएडा में MMA मैट्रिक्स फाइटर में ये मिस्र के खिलाड़ी को हरा करके चैंपियन बने हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना हार्ड होता है इस खेल को खेलना? देखिए हर खेल को खेलना हार्ड होता है, हाँ। पर ये थोड़ा सा फाइटिंग का गेम है, हाँ हाँ। जिसमें एक्चुअल में लाइक पंच से किक से मारा जाता है, तो हाँ। थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि हाँ। मारपीट का गेम है, हाँ हाँ। तो इसमें मारपीट होता है तो पूरा खून वगैरह सब निकाल दिया जाता होगा? हाँ, सब कुछ का आशंका रहता है। हाँ, किसी का जान भी जा सकता है? जान जाने का भी आशंका रहता है। वैसे तो सारी सावधानियां को बरती जाती हैं, वहां देख के बोलिए, सारी सावधानियां को बरती जाती हैं, पर हाँ जान जाने का भी खतरा रहता है। हाँ, यानी किसी भी तरीके से मारना होता है, कैसे भी मारना होता है। हाँ, जैसे बॉक्सिंग में सिर्फ आप पंच मार सकते हैं, हाँ। और रेसलिंग में सिर्फ आप उठाकर पटक सकते हैं, पर MMA में आप पंच मार सकते हैं, किक मार सकते हैं, एल्बो नी उठाकर पटक सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप कितना देर में उस खिलाड़ी को हरा दिए थे? ये लास्ट वाले फाइट में मैंने 1 मिनट 14 सेकंड में उस खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया था। अच्छा, तो इससे पहले भी आप जीते हुए थे ना? हाँ, इससे पहले मेरी फाइट दुबई में हुई थी, हाँ हाँ, जो कि 2022 में इंग्लैंड के खिलाड़ी से हुई थी। अच्छा अच्छा, उसमें भी मैंने नॉकआउट से फाइट जीता था। अच्छा, नॉकआउट से फाइट जीते थे जी। तो ये फाइट क्या बिहार के लोगों को खेलना आसान है या हार्ड है? बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर वो लोग इस खेल में जाना चाहते हैं तो? देखिए बिहार के लोग किसी भी चीज़ में कम नहीं है, हाँ। तो जितना बाकी लोगों के लिए हार्ड है उतना ही उनके लिए भी हार्ड है, हाँ हाँ। तो जो भी मेहनत करेगा वो इस खेल में आगे जा सकता है। अच्छा अच्छा, तो शायद लगता है कि बिहार के आप पहले खिलाड़ी हैं जो इस खेल को खेलते हैं। हाँ, मैं बिहार का पहला प्रोफेशनल MMA फाइटर हूँ। अच्छा, तो क्या और भी लोगों का इसमें कैरियर बन सकता है? हाँ, ऑलरेडी गोपालगंज के कुछ लड़के हैं जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा MHA सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले साल में वो भी प्रोफेशनल टर्न कर जाएंगे, और मेरे शहर सासाराम से भी कुछ बच्चे वहाँ पे जाकर ट्रेन कर रहे हैं, एक बच्चा और एक बच्ची जाकर ट्रेन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत सारे बिहार के भी प्रोफेशनल फाइटर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए श्यामा जी कि आप जो इस फाइट को जीते हैं तो जीतने के बाद आपको क्या क्या मिला? देखिए जीतने के बाद बिहार के लोगों से बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्यार मिला, हाँ। वही सबसे बड़ी कमाई है। अच्छा, इसके अलावा आपका अपना निजी कुछ मिला तो बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं? निजी तो मेरे को ताकि किसी लोगों को ये प्रेरणा मिल सके। देखिए निजी किसी और से कुछ नहीं मिला है, बस सपोर्ट मिला है, यश भैया से बहुत सपोर्ट मिला है, और बाकी सारे शहरवासियों से बहुत सपोर्ट मिला है। बाकी जब हर बार आप फाइट करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसका मतलब कि गारंटीड मनी वगैरह होता है जो कि मिलता है, बाकी एज सच और किसी से कुछ नहीं मिला। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? आपके पिताजी क्या करते थे, कैसे आप इस फील्ड में आए? देखिए मेरे पिताजी तो पिताजी का नाम हुआ श्री ब्रह्मानंद गुप्ता, और माँ का नाम हुआ किरण देवी। मेरे पापा जी एक बिजनेसमैन हैं, और हम लोग बिजनेस फैमिली से ही बेसिकली बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा, और मैं बहुत ही हटकर एक करियर चूज किया। अच्छा अच्छा, तो क्या आप सोचे थे कभी कि हम इस कैरियर में जाएंगे तो मेरा कैरियर बन जाएगा? देखिए सपना देखना होता है, अचानक से कुछ नहीं हुआ है। बचपन में सपना देखा कि ये करना है और यहाँ तक पहुँचना है, तो अचानक से नहीं हुआ है, और उसका कुछ डाउट नहीं था कि ये होगा। कितना साल से तैयारी कर रहे थे इस फाइट के लिए? देखिए मेरे को कॉमर्स स्पोर्ट्स में 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, अच्छा। और स्पोर्ट्स में 12 से 13 साल हो गए हैं, हाँ। तो काफ़ी लंबे समय से मैं खेल जगत में हूँ। आप जब तिरंगा फहराए थे उस स्टेडियम में तो पूरा जो है स्टेडियम ही गूंज उठा था। हाँ, लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और मुझे भी बहुत ही गर्व का अनुभूति हुआ, क्योंकि ये एक बचपन का सपना था जो कि लास्ट बार मैंने दुबई में भी फहराया था, हाँ। करीब 10-12 साल के बाद वो सपना पूरा हुआ था, हाँ। और फिर से अभी दिल्ली में मौका मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। कहाँ कहाँ से खिलाड़ी इस खेल को खेलने के लिए आए हुए थे?
पूरे विश्व से मैट्रिक्स फाइट नाइट में खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो मेरा फाइट तो इजिप्ट से हुआ था, रशिया से फाइटर्स आए थे, पोलैंड से फाइटर आए थे, तो लाइक विश्व के हर जगह से फाइटर्स आए थे, सब जगह से आए हुए थे। तो ये हमारे साथ श्यामानंद हैं और ये बिहार के सासाराम से हैं। सासाराम कैमूर जो एरिया है ये खास तौर पर खेल के मामले में अभी बहुत ही आगे बढ़ रहा है और वहाँ से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कुश्ती में हो या फाइटिंग में हो या CWE में हो, वहाँ से खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक रुद्र सिंह थे वो भी CWE में गए, आप जानते हैं उनके बारे में? हाँ, मैंने अभिनव जी का एक न्यूज़ देखा था, मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया था। अच्छा अच्छा, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा जान करके, और आपके बारे में मैं जाना तो और अच्छा लगा कि आप जो हैं इस तरीके का मैट्रिक्स फाइट करते हैं और 1 से 1.5 मिनट में परास्त कर देते हैं अपने विरोधियों को, अपने आगे वाले जो फाइटर रहते हैं उनको, तो काफ़ी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हमारे बिहार का भी कोई लाल है, बिहार का भी कोई शेर है और सासाराम के कोई शेर है जो इस तरीके से ग्राउंड में दहाड़ता है कि आगे आने वाले जो फाइटर रहते हैं उनको जो हालत ऐसी ख़राब हो जाता है। आपको फाइट करते हुए मैं वीडियो देखा हूँ, काफ़ी ज़ोरदार, आप देख करके दंग हो जाएंगे। बाकी आप लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो आगे बढ़ रहे हैं अभी खिलाड़ी किसी भी खेल में, उनको सपोर्ट करें। जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बहुत बाद में उनको सपोर्ट मिलता है। हम लोगों को ज़रूरत है कि जैसे बाकी स्टेट्स हैं, हरियाणा है, पंजाब है, जब खिलाड़ी ज़मीनी स्तर से ही उठते हैं तभी उनको गवर्नमेंट से और लोगों से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। पर बिहार में प्रॉब्लम ये है कि लोग खेल के प्रति जागरूक नहीं है, पढ़ाई का सिर्फ बात करते हैं, जो कि गलत नहीं है, मेरे अनुसार गलत नहीं है, पर खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे तरह के आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए, और जब वो जमीनी स्तर से उठते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या बिहार सरकार खेल के प्रति इतना जागरूक नहीं है ताकि वो को जो स्टूडेंट है या जो भी खेल में खिलाड़ी हैं उनको सहयोग किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके? देखिए, मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, पर बिहार होना चाहिए, बहुत सुधार की जरूरत है और किसी भी तरह का मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। तो अब जाके मेरे को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हुए हैं। बाकी तो मैंने 2018 से मैंने घर से भी पैसा लेना छोड़ दिया था और खुद के दम पे ये सब किया है। अच्छा, तो क्या लगता है कि अन्य राज्यों के अपेक्षा हमारा जो बिहार है यहाँ पर खिलाड़ियों को उतना सहयोग नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा? हाँ, अगर आप हरियाणा पंजाब का बात करिएगा तो खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, पर बिहार थोड़ा इसमें पीछे है। लेकिन फिर भी बिहार के खिलाड़ी होते हैं जा करके परचम लहरा ही देते हैं। देखिए, ऐसा सबको ही जानता है कि बिहार के जो भी लोग होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, कोई सपोर्ट करे या ना करे, जो करना है वो ठान लेते वो करते ही हैं। तो बिहार के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, पूरा भारत के लोगों का कहना है, और जो बिहारी विदेश में जाते हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि बिहारी बहुत मेहनती होते हैं। चलिए, तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। ये हमारे साथ श्यामानंद हैं जिनसे अभी बातचीत हो रही थी। बाकी आपको कैसा लगा आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आपके लिए जय हिंद। जय हिंद। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।